सागर में 100% शुद्ध शाकाहारी और स्वादिष्ट खाने का ठिकाना रुचिरम फूड जोन एंड बेकरी 3 बत्ती एवं दिल्ली हॉस्पिटल। सागर जिले के राहतगढ़ पहुंचे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रसिद्ध वाटरफॉल का निरीक्षण किया और कहा कि यहां पर सौंदर्यीकरण के कार्यों की लोग तारीफ कर रहे हैं, जबकि यहां पर अभी लाइट पानी समेत कई व्यवस्थाएं की जाना बाकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने देंगे। अभी राहतगढ़ जिले में नंबर 1 है, संभाग में भी नंबर 1 बने, इसके लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। दरअसल कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत राहतगढ़ में यादव महासभा द्वारा आयोजित की गई भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा में शिरकत करने पहुंचे थे। इसके बाद राहतगढ़ वाटरफॉल का निरीक्षण भी किया। जानकारी के मुताबिक वाटरफॉल के विकास कार्य को लेकर हुई बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से वाटरफॉल में आगे होने वाले कार्यों के संबंध में चर्चा की थी। बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य, जिला पंचायत CEO SDM देवेंद्र प्रताप सिंह, तहसीलदार कुलदीप सिंह ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। अभी 3-3.5 महीने में काम हुआ है और काम लोगों को दिखने भी लगा है। हम देखते हैं कि बच्चे व्हाट्सएप पे डालते हैं कि इतना अच्छा काम हो रहा है, इसकी तारीफ भी हो रही है काम के। लेकिन हम चाहते हैं काम जो अभी फिनिशिंग अवस्था में रह गया है कुछ और अच्छे काम यहाँ हो जाएं, जैसे पानी की व्यवस्था होना है यहाँ, बिजली की व्यवस्था होना है यहाँ, अभी जो गजीबो बन रहा है कुछ गजीबो बनवाना है, कुछ हम लोग इसमें और जो चीज़ें बच्चों को खेलने के लिए बना रहे हैं, कुछ मार्केटिंग के लिए बच्चे जो आते हैं हमारे छोटे लगा जाते हैं, भुट्टे की दुकान लगाएं, कुछ दुकान लगा उनकी व्यवस्था होना चाहिए, फुटपाथ है, रोड है, बहुत सारी चीज़ें आज नोट की हैं। आज पूरा जिला प्रशासन आया हुआ है, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी आए हैं, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब लोग यहाँ, सारे हमारे जिले के प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर हैं। तो हमने कोशिश की है और हमारी कोशिश हो रही है कि हमारा राहतगढ़ वाटरफॉल जिले में नंबर 1 तो है ही, संभाग में भी नंबर 1 बने और बहुत सारे लोग जो भोपाल और सागर की कनेक्टिविटी यहाँ है, तो सागर और भोपाल के लोग जो आए तो एक रेस्ट यहाँ पर कम से कम राहतगढ़ वाटरफॉल में लें। यहाँ अच्छी हम खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, टूरिज्म के अधिकारी आए हुए हैं, हम बढ़िया यहाँ होटल खुलवा रहे हैं, रेस्टोरेंट खुलवा रहे हैं, तो सब व्यवस्था करने की कोशिश है। इस कोशिश कामयाब हो सके इसके लिए सारे जिला प्रशासन को लाए तो मीटिंग की है। राहतगढ़ से धर्मेंद्र सिंह राजपूत, सागर टीवी न्यूज। सागर में 100% शुद्ध शाकाहारी और स्वादिष्ट खाने का ठिकाना रुचिरम फूड जोन एंड बेकरी, जहां अपने आकर्षक ऑफर के साथ हम रखते हैं हमारे शहर, पर्यावरण और आपकी जेब का पूरा ख्याल। अब रुचिरम फूड जोन एंड बेकरी में अपना पसंदीदा खाना लेने के लिए आते वक्त घर से लाएं अपना स्टील का डब्बा और मेन्यू दर पर पाएं पूरे 25% का डिस्काउंट और बनाएं सागर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त। हमारी ब्रांचेस 3 बत्ती 9589859070 एवं दिल्ली हॉस्पिटल 9770325268 के सामने स्थित है। तो जल्द आएं और ऑफर का लाभ उठाएं।